नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कोरोना वायरस टॉप 100 क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने इस वीडियो सीरीज़ में सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए आज पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, युक्ति पोर्टल की किसने शुरू किया? हमारे ऑप्शंस हैं इसरो, DRDO, MHRD या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MHRD। तो आपको ये याद रखना है, जो युक्ति पोर्टल है उसकी शुरुआत MHRD ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राज्य की सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शन से कर्नाटक, मणिपुर, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तो आपको ये याद रखना है, मणिपुर राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक की पहल की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, भोपाल, लखनऊ या अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। तो आपको ये याद रखना है, जो सैनिटाइजर टनल है उसको स्थापित करने वाला जो पहला रेलवे स्टेशन था वो था अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए ऑपरेशन फतेह किसने शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। आपको ये याद रखना है, जो कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए ऑपरेशन फतेह पंजाब सरकार ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किस IIT ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषिंग विकसित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT मंडी, IIT बॉम्बे या IIT मद्रास। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किसने COVID-19 रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं WHO, यूनिसेफ, UN या ADB। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ADB। तो आपको ये याद रखना है कि ADB ने COVID-19 रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, किस राज्य की सरकार ने COVID-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब या राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। तो आपको ये याद रखना है कि झारखंड राज्य की सरकार ने COVID-19 के मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर एट है, किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट्स लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल या फेसबुक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गूगल। तो आपको ये याद रखना है कि गूगल ने नियर बाय स्पॉट्स लॉन्च किया था, जिससे कि आपको स्थानीय स्टोर्स की जानकारी मिल पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग वार्ड बनाए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको ये याद रखना है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए एक अलग वार्ड बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर टेंथ है,
किस राज्य की सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कहाँ की सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं केरल, राजस्थान, दिल्ली या पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो आपको याद रखना है दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, जो जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? ऑप्शंस हैं MHRD, इसरो, BCCI या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, BCCI। तो जो टीम मास्क फोर्स है वह BCCI ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज प्रोजेक्ट किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं माउंट एवरेस्ट, मैटहॉर्न पर्वत, एटलस पर्वत या K2। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैटहॉर्न पर्वत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? ऑप्शंस हैं विप्रो, मारुति, रिलायंस फाउंडेशन या टाटा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस फाउंडेशन। तो आपको ये याद रखना है, जो मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा है वह रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू करी थी मुकेश अंबानी के निगरानी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा या कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य सरकार ने सीएम COVID-19 योद्धा कल्याण योजना शुरुआत की? हमारे ऑप्शन हैं उड़ीसा, गोवा, केरल या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम COVID-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य की सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो आपको ये याद रखना है कि केरल राज्य की सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, COVID-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप किसने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है DRDO, IISc, IIT दिल्ली या इसरो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। आपको ये याद रखना है, जो COVID-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य सरकार ने
अर्थमित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, मिजोरम, हरियाणा या कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। तो आपको याद रखना है, कर्नाटक राज्य सरकार ने आपदा मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और सारे के सारे बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। इस टेस्ट में दो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इनके आंसर आते हों तो हमें कमेंट करके बताएं। भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस बैंक को पीएम केयर फंड्स में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ये थे टेस्ट के दो क्वेश्चंस। अगर आपको इनके आंसर्स पता हैं तो हमें कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कोरोना वायरस के ऊपर टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करा। यह फ्रेंड्स वीडियो सीरीज़ हमारी टॉप 100 क्वेश्चंस की है और यह वीडियो हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 ला चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को देखा और उसको मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया, और इसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया है जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि यह टॉपिक आपका कितना तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम 3 वीडियोस अभी और लेके आए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 हम ला चुके हैं, पार्ट 3, 4, 5 अभी आना बाकी है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हम आने वाली वीडियोस अगर डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम ऐसे ही वीडियोस जीएस और जीके के ऊपर लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।